हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि सब बढ़िया होगा। ठीक है, अब आप लोग सब जानते हैं कि यार पूरे इंडिया में लॉकडाउन की कंडीशन आ गई है और सब कुछ शटडाउन कर दिया गया है। इसी वजह से हम लोगों को भी घर से ही क्लासेस लेनी पड़ रही है, यानी हम लोगों ने भी वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, आप लोगों के लिए पूरा अरेंजमेंट हम लोगों ने इंस्टीट्यूट से उठाकर घर पे सेटअप लगाया है। ठीक है, कि जिससे कि आप लोगों के लेक्चर्स की डिलीवरी के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए, रेगुलरली आप लोगों को लेक्चर्स मिलते रहे। सो स्टूडेंट, आज हमारा क्रैश सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है, थर्ड लेक्चर है। देखिए क्या है कि जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा वैसे वैसे लेक्चर की क्वालिटी के अंदर इंप्रूवमेंट होता जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि अब से आप लोगों को मजा आने वाला है। ठीक है, अच्छा 2 दिन के बाद हम आप लोगों को शिफ्ट करना चाह रहे थे प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन शटडाउन की वजह से 1-2 दिन और डिले हो जाएगा। जब तक पूरा प्रॉपरली काम नहीं हो पाता है तब तक आप लोगों के लेक्चर यूट्यूब पर ही चलेंगे स्टूडेंट। ठीक है, जैसे ही हमारा प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा, कल या परसों जब भी रेडी हो जाएगा तभी हम आप लोगों को वाया SMS लॉगिन आईडी और पासवर्ड सेंड करेंगे, फिर आप लोग उस प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करवाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो कल हम लोगों ने बात की थी बच्चों थर्मोडायनेमिक्स से, और मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स का एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाया था जिसका नाम था कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री में मैंने आपको बच्चों बताया था, अगर मैं हल्की सी डिटेल को डिस्कस करूं तो मैंने आपसे कहा था कि हीट निकालने के हमारे पास में 2 फॉर्मूले हैं। फर्स्ट MC∆T और सेकंड फॉर्मूला है Q=ML। ठीक है, ये फॉर्मूला हम तब यूज में लेकर आते हैं जब स्टेट चेंज होती है बच्चों। स्टेट चेंज होती है यानी वो लिक्विड से सॉलिड में बदलता है या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, या सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, व्हाटएवर, कुछ कोई भी कंडीशन हो सकती है। जब ये स्टेट चेंज होगी आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। अच्छा, ऊपर की तरफ है MC∆T, ये फॉर्मूला हम तब यूज में लेकर आते हैं जब टेम्परेचर के अंदर डिफरेंस होता है स्टूडेंट, टेम्परेचर के अंदर थोड़ा सा गैप होता है, डिफरेंस होता है, तो हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल में लेकर आते हैं। मैंने सारी कंडीशन आप लोगों के सामने कल इसके बारे में डिस्कस की थी, कई सारी प्रॉब्लम्स भी मैंने आप लोगों को बताई थी, और उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपकी कैलोरीमेट्री का कॉन्सेप्ट बहुत हद तक बच्चों क्लियर हो जाएगा, उम्मीद करते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर पहुंचेंगे बच्चों, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मैं आपको बताता हूँ। तो अगला टॉपिक जो हमारे पास में आता है स्टूडेंट, अगला टॉपिक है हमारे पास में, अब गौर करिएगा, नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन मीन्स जब आप किसी मटेरियल का टेम्परेचर राइज करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने से मटेरियल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से वो ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ में वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उस मटेरियल के साइज में थोड़ा चेंज आ जाता है, लंबाई बढ़ जाती है, एरिया बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसी को हम थर्मल एक्सपेंशन के नाम से जानते हैं। मैं आपको स्टूडेंट एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं, आप देखिए ध्यान से। मान लीजिए कि हमारे पास में ये एक मेटेलिक रॉड है। ठीक है, इस मेटेलिक रॉड के अंदर हमने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को दिखाया है। देखिए आप लोग ध्यान से, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं, कुछ इस तरीके से रॉड के अंदर कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल हैं, और ये मॉलिक्यूल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट अबाउट द मीन पोजीशन कुछ इस तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं। स्टूडेंट, मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, इस तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैंने किसी तरीके से रॉड का टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया। अब जैसे ही मैं रॉड का टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर बढ़ाने से इन मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाएगी, और एक्स्ट्रा एनर्जी मिलने की वजह से ये मॉलिक्यूल ग्रेटर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देंगे। अगर इन मॉलिक्यूल ने ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर दिया तो ये जो मेटेलिक रॉड है आपके पास में, भाई कॉमन सी बात है, अभी मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है, ऐसे मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है। अगर इस मॉलिक्यूल को यहां से एनर्जी मिली, यहां से कुछ हीट मॉलिक्यूल को मिल गई, तो जैसे ही हीट मिली मॉलिक्यूल ने ज्यादा बड़े एम्पलीट्यूड के साथ में वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर दिया, मॉलिक्यूल ने कुछ इस तरीके से वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर दिया, और एम्पलीट्यूड बढ़ जाने की वजह से, एम्पलीट्यूड का मतलब है कि वो कितनी दूर अपनी मीन पोजीशन से कितना दूर इधर जाता है और कितना दूर इधर जाता है,
अगर आप इसे हीट दोगे तो इसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिसकी वजह से ये दूर दूर वाइब्रेट करेगा कुछ इस तरीके से, और रॉड हमारी एक्सपैंड हो जाएगी स्टूडेंट, रॉड हमारी बढ़ जाएगी। बिल्कुल यही काम तो मेटेलिक रॉड में होता है, किसी भी एरिया की शीट में होता है और किसी भी वॉल्यूमेट्रिक बॉडी के अंदर होता है। तो हमने एक रिजल्ट बना दिया बच्चों, रिजल्ट क्या है आप जरा समझिएगा। रिजल्ट हम लोगों ने ये बनाया, अगर हम किसी बॉडी का टेम्परेचर राइज करते हैं तो टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद उसकी नई लंबाई का फॉर्मूला ये होगा, एल डैश इज इक्वल टू एल वन प्लस एल्फा डेल्टा टी। आप जरा समझिएगा गौर के साथ, एल डैश लेंथ है आफ्टर राइजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद लंबाई है, एल हमारी ओरिजिनल लेंथ है, एल्फा है बच्चों टेम्परेचर कॉफिशियंट, ये जो एल्फा आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये एल्फा है हमारे पास में टेम्परेचर कॉफिशियंट, और ये जो डेल्टा टी आपको दिख रहा है ये डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर। ये जो एल्फा आपको दिख रहा है टेम्परेचर कॉफिशियंट, इसकी जो एस आई यूनिट होती है वो है डिग्री सेल्सियस इनवर्स, आप ध्यान रखेंगे, या इसकी एस आई यूनिट होती है कैलोरी इनवर्स, और ये जो चेंज इन टेम्परेचर है ये डिग्री सेल्सियस में भी हो सकता है और कैलोरी में भी हो सकता है, दोनों में इसकी वैल्यू सेम होगी, तो ये चेंज ले रहे हैं, चेंज डिग्री सेल्सियस में जितना होता है उतना ही कैलोरी में होता है। तो पहला रिजल्ट स्टूडेंट्स हमारे पास में ये आया, अगर हम किसी भी मेटेलिक रॉड के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे और उसकी अगर ओरिजिनल लेंथ इतनी थी, ये उसकी ओरिजिनल लेंथ थी बच्चों, एल इज द ओरिजिनल लेंथ, ये उसकी ओरिजिनल लेंथ थी, ओरिजिनल लेंथ, ये उसकी ओरिजिनल लेंथ थी, ठीक है। अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, ये उसकी ओरिजिनल लेंथ थी, तो टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद इसकी नई लंबाई होगी वो ये होगी, एल डैश इज इक्वल टू एल वन प्लस एल्फा डेल्टा टी, याद रखना है आप लोगों को इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिए अगर यही काम हम किसी भी एरिया में करते हैं, एरिया का मतलब है कि कोई मेटेलिक शीट है हमारे पास में जिसका ओरिजिनल एरिया है ए, हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, तो मैंने आपको बताया कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल दूर दूर वाइब्रेट करेंगे, जिसकी वजह से उस बॉडी के अंदर एक्सपेंशन हो जाएगा, यानी उसका एरिया लंबाई वॉल्यूम सब कुछ बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें देखना है कि टेम्परेचर बढ़ने के बाद में नया एरिया कितना होगा। अब जैसे कि एल डैश मैंने आपसे कहा था कि टेम्परेचर बढ़ाने के बाद की जो लंबाई है वो एल डैश है, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद का जो एरिया है वो ए डैश है, और ए डैश की वैल्यू रहने वाली है ए डैश इक्वल टू ए वन प्लस बीटा डेल्टा टी। देखो जो काम लंबाई में था बिल्कुल वही काम एरिया में है, बस एक टर्म बदल गया है बच्चों, और वो टर्म है हमारे पास में बीटा। ये जो बीटा आपको दिख रहा है इस बीटा का नाम भी टेम्परेचर कॉफिशियंट ही, टेम्परेचर कॉफिशियंट, और इसकी जो एस आई यूनिट रहने वाली है स्टूडेंट वो रहने वाली है डिग्री सेल्सियस इनवर्स और कैलविन इनवर्स, ये इसकी एस आई यूनिट रहने वाली है डिग्री सेल्सियस इनवर्स और कैलविन इनवर्स। तो मैंने अभी आपके सामने बहुत मामूली से दो फॉर्मूले लिखे हैं, एक लंबाई के अंदर आने वाला एक्सपेंशन है, एक एरिया के अंदर आने वाला एक्सपेंशन है, समझ में आ रही है बात आप लोगों को। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की, लंबाई में इतना चेंज आएगा यानी लंबाई इतनी बढ़ जाएगी, एरिया हमारा इतना बढ़ जाएगा। अच्छा, इसके अंदर जो टर्म आया वो एल्फा है, इसके अंदर जो टर्म आया वो बीटा है, और बीटा में और एल्फा में ना बड़ा एक शानदार सा रिलेशन होता है स्टूडेंट, आपके नोट पॉइंट है आप लोगों के लिए, आप ध्यान रखेंगे बीटा और एल्फा के बीच में जो रिलेशन है वो ये है, बीटा इज इक्वल टू टू एल्फा, दिस इज द रिलेशन बिटवीन, ये हमारा रिलेशन है बच्चों एल्फा के और बीटा के बीच में वैल्यू है बीटा इज इक्वल टू टू एल्फा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इन सारी चीजों को आप अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अभी हम बात करते हैं आगे, लंबाई और एरिया की बात हम लोगों ने कर ली है, अब यहां से हम बात करेंगे बच्चों वॉल्यूम की। देखिए तीसरे नंबर पे हमारे पास में आता है वॉल्यूम मैट्रिक एक्सपेंशन, वॉल्यूमैट्रिक एक्सपेंशन। देखिए वॉल्यूमैट्रिक एक्सपेंशन क्या है, कंडीशंस वही है, वी डैश टेम्परेचर बढ़ाने के बाद का वॉल्यूम, वी ओरिजिनल वॉल्यूम वन प्लस गामा डी
डेल्टा टी, ठीक है। मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको इसके बारे में बता चुका हूं। जो डैश वाली चीज है वो टेम्परेचर के बढ़ाने के बाद में है, जो वी है वो ओरिजिनल है, गामा टेम्परेचर कोफिशिएंट है। आप ध्यान रखेंगे ये जो गामा है इसे हम नाम देंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट, और इसकी एसआई यूनिट है डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स। इसके बाद देखिए बच्चों, हमने एक रिलेशन पढ़ा बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, बीटा की वैल्यू 2 अल्फा के बराबर है, और ये जो गामा आपको दिख रहा है इस गामा की वैल्यू है 3 अल्फा के बराबर। बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अगर इक्वेशन 1 को हम डिवाइड करते हैं इक्वेशन 2 के साथ, तो जैसे ही हम बीटा को गामा से डिवाइड करेंगे ये 2 ये 3 ये अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 2/3। सो हमारे पास में रिलेशन बन जाएगा 3 बीटा इज इक्वल टू 2 गामा। बच्चों ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा, ये बीटा और गामा के बीच में रिलेशन है। आप ध्यान रखिएगा बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, और बीटा और गामा के बीच में रिलेशन इतना है। अगर मैं इन तीनों का रेशियो निकालूं बच्चों, तो रेशियो क्या निकलेगा, अल्फा रेशो बीटा रेशो गामा इज इक्वल टू 1:2:3। आप ध्यान रखेंगे ये अल्फा बीटा और गामा का रेशो है 1:2:3। तो अभी हम लोगों ने बात करी है तीन कंडीशंस की, मैं आपके सामने एक बार और रिपीट कर देता हूं। अगर हम लंबाई का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नई लंबाई इतनी हो जाएगी एल डैश इज इक्वल टू एल 1 + α/δt। अगर हम एरिया का बढ़ाएंगे तो एरिया हो जाएगा ए डैश इज इक्वल टू 1 + α/β/δt। उसके बाद अगर हम वॉल्यूम का बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा वी डैश इज इक्वल टू वी 1 + γ/δt। ये तीन फॉर्मूले हैं हमारे पास में, इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अभी हमने बात की थर्मल एक्सपेंशन की, लंबाई का टेम्परेचर बढ़ाने से नई लंबाई कितनी होगी, एरिया का टेम्परेचर बढ़ाने से नया एरिया कितना होगा, वॉल्यूम का टेम्परेचर बढ़ाने से नया वॉल्यूम कितना होगा, ये अल्फा बीटा और गामा के बीच में रिलेशन है। कुछ फैक्चुअल चीजें हैं जो आप लोगों को याद करनी पड़ेगी और वो आपके सामने लिखी हुई है और आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, इसे भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या आती है हमारे पास में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ना बच्चों, इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये, क्या है, एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। हम लोगों को देखना है कि थर्मल एक्सपेंशन का एप्लीकेशन क्या है, सारी बातें हमें अच्छे से इसके अंदर जाननी है कि भैया थर्मल एक्सपेंशन का एप्लीकेशन क्या है। देखो हम लोगों ने जैसे अभी पढ़ा, अगर हम लंबाई का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नई लंबाई इतनी होगी 1 + α/δt, ठीक है। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं बच्चों, देखिए सॉल्व मैं किस तरीके से करता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा आप, एल डैश इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई में कर दिए प्लस एल अल्फा डेल्टा टी, एल को इधर लेकर आते हैं, एल डैश माइनस एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, एल डैश माइनस एल इज इक्वल टू डेल्टा एल, एल अल्फा डेल्टा टी। सो डेल्टा एल अपॉन एल, जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने वाला था ये आपको याद रखना है, डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। सो देखते हैं कि डेल्टा एल अपॉन एल है क्या। देखो ये चेंज इन लेंथ है भाई, मानो की लंबाई हमारे पास में इतनी थी, अब जैसे ही हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद में इतनी लंबाई हमारी बढ़ गई, ये जो लंबाई के अंदर बढ़ोतरी आई है ये कहलाएगा डेल्टा एल, जो ओरिजिनल लंबाई थी हमारे पास में ये कहलाएगी एल। समझ आ रही बात, लंबाई में जो चेंज आया है वो हमारे पास में डेल्टा एल है और जो हमारी ओरिजिनल लंबाई है वो एल है। अगर मैं डेल्टा एल को एल से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाना है बच्चों हमारे पास में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ज्यादातर नीट वाले स्टूडेंट के लिए है बच्चों, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और इसकी वैल्यू रहेगी अल्फा डेल्टा टी, अल्फा यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट, जो डिपेंड करेगा मेटल के नेचर के ऊपर।
एंड डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। जो डेल्टा टी है ये टेम्परेचर के अंदर आने वाला चेंज है, चाहे ये डिग्री सेल्सियस में हो और चाहे ये केल्विन में हो, सेम वैल्यू आपको रखनी है, यानी चेंज नहीं करना है। सेल्सियस में भी उतना ही होगा, केल्विन में भी उतना ही होगा, क्योंकि चेंज है टेम्परेचर का, ये बात आपको याद रखनी है। सो स्टूडेंट, जो हमारे पास में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है उसकी वैल्यू है डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल मींस, मान लेते हैं कि ये हमारे पास में किसी भी मेटेलिक रॉड की लंबाई है जिसे हमने नाम दिया है एल, ठीक है, और टेम्परेचर को बढ़ाने के बाद इस लंबाई के अंदर इतना चेंज आ गया है, ये जो बढ़ोतरी हुई है लंबाई के अंदर, इसे हमने नाम दिया है डेल्टा एल। सो डेल्टा एल यानी लंबाई के अंदर आने वाला चेंज, एल जो इसकी ओरिजिनल लंबाई है उसे हमने नाम दिया है एल, ठीक है। इसकी वैल्यू बराबर रहनी है अल्फा डेल्टा टी के, और यही हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहलाएगा बच्चों, ठीक है। अब जैसा हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तो निकाल दिया है, अब हम लोग देखते हैं कि इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, ठीक है। देखो, जैसे कि पहले एप्लीकेशन की अगर हम बात करें, हम लोग बच्चों सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ते हैं, सिंपल पेंडुलम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सिंपल पेंडुलम के जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो है ये, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, यानी जितनी भी क्लॉक यानी वॉच सिंपल पेंडुलम के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करती हैं, उनके अंदर एक ऑसिलेशन के टाइम को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास में ये है। अब आप ये देखिए, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होगा बच्चों, टेम्परेचर को बढ़ाने से वो जो पेंडुलम लाइक रॉड लगी हुई है उसके अंदर, उसकी लंबाई डेफिनेटली बढ़ेगी। और अगर उसकी लंबाई बढ़ेगी, अब गौर करें जरा, अगर ये लंबाई बढ़ेगी तो लंबाई बढ़ने से टाइम पीरियड के ऊपर फर्क पड़ेगा। देखिए, मैंने एक काम किया, मैंने टेम्परेचर को इतना चेंज कर दिया डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा हमने क्यों चेंज किया, पहले आप इस बात के ऊपर गौर करें, क्योंकि टाइम हम लोग ऑलरेडी टी से रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो टेम्परेचर को हमने डेल्टा थीटा से दिखाया है। हमने इस रॉड का टेम्परेचर इतना बढ़ा दिया डेल्टा थीटा, जब टेम्परेचर को हम इतना बढ़ाएंगे लंबाई इंक्रीज होगी, एक्सपेंशन के मुताबिक टेम्परेचर बढ़ेगा लंबाई एक्सपैंड होगी, और लंबाई अगर बढ़ेगी तो टाइम बढ़ेगा। टाइम बढ़ने का मतलब यह है कि एक ऑसिलेशन पूरा करने में अब ज़्यादा समय लगेगा। अब आप मुझे एक बात बताएं, अगर पहले एक ऑसिलेशन 2 सेकंड का था, अब वही एक ऑसिलेशन 2 सेकंड से ज़्यादा का हो जाएगा, यानी 1 सेकंड से ज़्यादा का समय जाने में लगेगा, 1 सेकंड से ज़्यादा का समय वापस आने में लगेगा, टाइम पीरियड 2 सेकंड से ज़्यादा हो जाएगा। तो वो जो वॉच है हमारी, जो पेंडुलम के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रही है बच्चों, उसके अंदर एरर दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी वॉच जो है वो हमारी पीछे या आगे चलना स्टार्ट कर देगी अपने एक्चुअल टाइम से, ठीक है। हमें ये देखना है कि वॉच के अंदर जो एरर आएगी वो कितनी होगी। चलिए स्टूडेंट, अभी आप देखिए वॉच के अंदर जो एरर आने वाली है, हम लोग लिखेंगे डेल्टा टी अपॉन टी। पहले मैं आपको बता देता हूं कि डेल्टा टी क्या है। डेल्टा टी एरर इन टी टाइम, इस टी टाइम के अंदर कितनी एरर आने वाली है, दिस इज डेल्टा टी, और इसका फॉर्मूला है हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। अल्फा तो मैंने बता रखा है बच्चों, अल्फा होता है कांस्टेंट, और डेल्टा थीटा क्या है, डेल्टा थीटा है टेम्परेचर के अंदर आने वाला चेंज। आपने टेम्परेचर को कितना बढ़ाया, अरे यार देखो तुम, जैसे कि कोई वॉच है, हमने उसे डिज़ाइन किया है 20 डिग्री सेल्सियस के मुताबिक, हमने उसे डिज़ाइन किया है 20 डिग्री सेल्सियस के मुताबिक। अगर हम टेम्परेचर को राइज करेंगे, हमने टेम्परेचर को बढ़ाया 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा कर दिया, तो जैसे ही हम 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा करने से ये जो वॉच है ये गलत टाइम दिखाना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि हमने तो उसे 20 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से डिज़ाइन किया है। तो अगर हमें एरर कैलकुलेट करना है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल इसके ऊपर बताता हूं, आपको अच्छा लगेगा और बात समझ में आएगी। जैसा कि आप लोगों से ये पूछा गया, अगर टेम्परेचर को 20 डिग्री सेल्सियस से हमने 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया, हमने टेम्परेचर को इतना बढ़ा दिया बच्चों, अब अगर हमने टेम्परेचर को इतना बढ़ाया, आप ध्यान दीजिएगा, अगर हमने टेम्परेचर को इतना बढ़ाया तो क्या होगा,
टेम्परेचर को इतना बढ़ाने से, पेंडुलम का टेम्परेचर हमने इतना बढ़ाया और उस पेंडुलम के लिए अल्फा की वैल्यू है ये 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, देखते हैं कि वन डे, एक दिन के अंदर कितनी एरर आएगी, वो जो वॉच है वो एक दिन में कितना पीछे या कितना आगे चलना स्टार्ट कर देगी, अपने एक्चुअल टाइम से कितना पीछे चलना स्टार्ट कर देगी, हमें ये देखना है। ठीक है स्टूडेंट, अभी हम देखते हैं डेल्टा टी एरर हमें कैलकुलेट करनी है। एक दिन हमें दे रखा है, पूरे एक दिन के अंदर हमें एरर देखनी है स्टूडेंट, पूरे एक दिन के अंदर हमें एरर देखनी है। देखो एक दिन के अंदर जो सेकंड होती हैं वो इतनी होती हैं 86400 सेकंड, बच्चों एक दिन के अंदर इतनी सेकंड होगी इज इक्वल टू हाफ अल्फा की वैल्यू है हमारे पास में ये 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ओके स्टूडेंट, डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा यानी चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के अंदर कितना चेंज आया। अभी आप देखो यहाँ टेम्परेचर कितना है 20, हमने टेम्परेचर को बढ़ाकर 40 कर दिया। अरे यार अगर 20 से 40 कर दिया तो चेंज कितना आया, चेंज कितना आया 20 का चेंज आया हमारे पास में, समझ रहे हैं आप लोग, 20 का चेंज आ गया हमारे पास में। इसको हम इससे कैलकुलेट करेंगे 10 आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं, सो डेल्टा टी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 86400। सो डेल्टा टी इज इक्वल टू 1.2 इंटू 864। तो बच्चों यहां पर जो हमारे पास में एरर आने वाली है उसकी वैल्यू रहेगी 1.2 इंटू 864। ठीक है, अगर आप इसे मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 60 से डिवाइड करेंगे और आंसर आपका निकल जाएगा मिनट में कि हमारी वॉच के अंदर इतना टेम्परेचर बढ़ाने से। ध्यान से जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसके ऊपर आप गौर करें, पूरा कैलकुलेट करने के बाद में ये डेटा हमारा निकल गया और हम ये कहेंगे कि इतना टेम्परेचर राइज करने के बाद अगर हमने टेम्परेचर को इतना बढ़ाया तो हमारी वॉच के अंदर इन अ वन डे, एक दिन के अंदर इतनी एरर आ जाएगी स्टूडेंट। ये हमारे पास में मिनट का डेटा है। तो ये कुल मिलाकर बच्चों हमारे पास में फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया है, इसे हमने नाम दिया है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या इसे थर्मल स्ट्रेन के नाम से भी जानते हैं बच्चों, आप गौर करिएगा इसे हम थर्मल स्ट्रेन के नाम से भी जानते हैं, डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा। अभी आप देखिए मैं कुछ ऐसा भी लिख सकता हूं, आप अपने सामने ये कंडीशन देखिए डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा टी, मैं कुछ इसे ऐसे भी लिख सकता हूं डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा टी, यानी डेल्टा टी यहां टेम्परेचर का डिफरेंस है, ये यहां टेम्परेचर का डिफरेंस है, मतलब ये दोनों सेम है, बस यहां थीटा से दिखाया यहां टी से दिखाया। इस अल्फा डेल्टा टी को हम लोग लिख देंगे बच्चों डेल्टा एल अपॉन एल, यानी हम कुछ इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा टी अपॉन टी इज इक्वल टू हाफ डेल्टा एल अपॉन एल। ये हमारे पास में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन या थर्मल स्ट्रेन का पहला एप्लीकेशन है जो किसी भी सिंपल पेंडुलम से चलने वाली वॉच के अंदर एरर को रिप्रेजेंट करेगा कि टेम्परेचर बढ़ाने के बाद उसके अंदर कितनी एरर आने वाली है। आप इसे याद रखें और अच्छे तरीके से आप लोग इसे समझें। ठीक है, चलिए अब यहां से हम लोग बच्चों आगे बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास में क्या आती है स्टूडेंट, नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास में क्या आती है, अब देखिए भाई अगर मैं आपके सामने लिखता हूं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और थर्मल स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी कहें या डेल्टा थीटा कहें, एक ही बात है स्टूडेंट, आप ध्यान रखें। ओके, देखो मान लीजिए कि मेरे पास में दो रिजिड सपोर्ट है, ओके, और मैंने इन दो रिजिड सपोर्ट के बीच में यहां एक मेटेलिक रॉड को लगा दिया है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से हमने मेटेलिक रॉड को लगा दिया। अब जैसे ही इसका टेम्परेचर हम राइज करेंगे, जैसे ही हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, आप ये मानिए इसकी लंबाई आपको एल दे रखी है, हमने इसका टेम्परेचर इतना राइज कर दिया डेल्टा टी, जैसे हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया ये यहां से एक्सपैंड होगा और ये यहां से एक्सपैंड होगा, और जब ये एक्सपैंड होगा तो इन रिजिड सपोर्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात को आप समझ रहे हैं। ठीक है, जैसे ही ये एक्सपैंड होगा
इन किनारों के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, हमें ये देखना है कि यहां कितना फोर्स काम करने वाला है, कितना फोर्स काम करने वाला है। ठीक है, कैसे बनाएंगे आप लोग देखिए जरा ध्यान से। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और थर्मल स्ट्रेन, डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बच्चों, यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्ट्रेस को मैं लिख सकता हूं फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन को मैं लिख सकता हूं डेल्टा एल अपॉन एल। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही है बात। अब आप देखिए, चूंकि मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया है तो टेम्परेचर बढ़ाने से डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू हो जाएगी अल्फा डेल्टा टी। मैं इस अल्फा डेल्टा टी को यहां से उठाकर यहां रखूंगा तो यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया अल्फा डेल्टा टी मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू यंग मॉड्यूलस एरिया अल्फा डेल्टा टी। यानी इस रॉड के एक्सपैंड होने की वजह से, बच्चों रॉड के एक्सपैंड होने की वजह से किनारों के ऊपर इतना फोर्स काम करने वाला है। वाई, इस रॉड का यंग मॉड्यूलस है, कांस्टेंट होता है, गिवन होगा आप लोगों को। ए क्या है बच्चों, ए यहां का एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन वाला जो एरिया होगा ना, अगर रॉड ऐसे रखी है तो ये वाला जो एरिया होगा ये ए कहलाएगा। अल्फा इसका टेम्परेचर कॉफिशियंट है, अल्फा इसका टेम्परेचर कॉफिशियंट है स्टूडेंट, आप याद रखेंगे। और डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट, तो कुल मिलाकर मैंने आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के दो एप्लीकेशन बताए हैं जो आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं, और ये तीनों दोनों एप्लीकेशन आपके सामने मेंशन है, आपके सामने लिखे गए हैं बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, ओके, अब यहां से हम लोग बढ़ जाते हैं आगे बच्चों। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, तो पॉज करके आप एक पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम यहां से आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास में। नेक्स्ट कंडीशन क्या है स्टूडेंट हमारे पास में, भाई मैंने आपको बताया कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो लंबाई जो बढ़ेगी वो इतनी बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो एरिया जो चेंज होगा वो इतना चेंज होगा, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम जो चेंज होना है वो इतना चेंज होना है, वॉल्यूम के अंदर जो चेंज आएगा वो इतना चेंज आएगा, वॉल्यूम के अंदर जो चेंज आएगा वो इतना चेंज आएगा। ठीक है, डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू हमारे पास में अल्फा डेल्टा टी के बराबर है, एप्लीकेशंस मैंने आपको बता दिए। इसे एक कंडीशन और होती है स्टूडेंट इसके अंदर, अगर हम किसी भी फ्लूइड की बात करते हैं और फ्लूइड की डेंसिटी की बात होती है, या हम किसी भी सॉलिड की बात करते हैं और उसकी डेंसिटी की बात होती है, हम देखना चाहते हैं कि डेंसिटी के अंदर कितना चेंज आएगा आफ्टर राइजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, तो मैं आपके सामने कंडीशन लिखता हूं, इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आप गौर करते चलिएगा। देखिए, अगर मैं टेम्परेचर को इतना राइज करता हूं, डेल्टा टी राइज और फॉल इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को मैंने इतना बढ़ाया या मैंने टेम्परेचर को इतना फॉल किया, मैंने इतना घटाया। ठीक है, तो न्यू डेंसिटी रो डैश इज इक्वल टू रो वन माइनस गामा डेल्टा टी। देखो, अब तक हमने जो तीन फॉर्मूले पढ़े बच्चों, हमने लंबाई का फॉर्मूला पढ़ा, हमने एरिया का फॉर्मूला पढ़ा, हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ा, तीनों में प्लस आया, अल्फा आया, बीटा आया, गामा आया, तीनों में पॉजिटिव आया। अब हम बात कर रहे थे डेंसिटी की, और अगर मैं डेंसिटी की बात करूंगा तो ये कंडीशन मेरे सामने निकल कर आएगी, रो डैश यानी डेंसिटी आफ्टर राइजिंग और फॉलिंग द टेम्परेचर। ठीक है, रो ओरिजिनल डेंसिटी, वन माइनस गामा इज द वॉल्यूमेट्रिक कॉन्स्टेंट, यानी जैसे आप टेम्परेचर कॉन्स्टेंट की बात करते हैं, टेम्परेचर कॉफिशियंट की बात करते हैं, तो गामा भी हमारा टेम्परेचर कॉफिशियंट है लेकिन वॉल्यूम के केस में, और डेल्टा टी है टेम्परेचर के अंदर हमने कितना चेंज किया है स्टूडेंट, ये बात आप गौर करके अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, अब जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें याद करना है वो क्या है, जरा आप देखिए, अगर मैं इस फॉर्मूले से पूछो डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं, उस फॉर्मूले का यूज करके मैं डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूं, तो ये ग्राफ मुझे मिलने वाला है बच्चों, ये कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। और ग्राफ की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ग्राफ की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है स्टूडेंट, ग्राफ की जो डेंसिटी होगी यानी ग्राफ का जो पीक पॉइंट होगा वो मुझे मिलने वाला है 4 डिग्री सेल्सियस पर। यानी आप ये समझिए, अगर मैं वाटर की बात करता हूं, ये ग्राफ स्पेशली वाटर के लिए है बच्चों, अगर मैं पानी की बात करता हूं तो पानी की जो डेंसिटी होनी है
वो 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होनी है और वो रहनी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये बात आप अच्छी तरीके से याद रखें। दिस इज द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। पानी की जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर है। अभी 2-3 साल पहले जेई के अंदर एक ग्राफिकल प्रॉब्लम पूछी गई थी आप लोगों से, बड़े आराम से आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने लंबाई के अंदर आने वाले चेंज, एरिया के अंदर आने वाले चेंज, वॉल्यूम के अंदर आने वाले चेंज, इन सब की बात की। बच्चों डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, वाटर के लिए डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच में हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा। हमने ये देखा कि अगर लंबाई में थर्मल एक्सपेंशन होगा, यानी लॉन्गिट्यूडनल थर्मल एक्सपेंशन जो होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से जो लंबाई बढ़ेगी उसका इफेक्ट किस किस चीज के ऊपर पड़ेगा। देखो अगर हम थ्योरेटिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी हमारे पास में टाइम कम है तो हम थ्योरेटिकल एप्लीकेशंस की बात नहीं करेंगे। मैंने इसलिए आप लोगों को न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस बताए, और न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस में 2 एप्लीकेशन हमारे काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सिंपल पेंडुलम, एंड सेकेंड जो मैंने आपको थर्मल स्ट्रेस या मैंने आप लोगों को अभी फोर्स बताया था कि रिजिड सपोर्ट की वजह से किनारों के ऊपर इतना फोर्स काम करने वाला है। नीट वाले स्टूडेंट स्पेशली इस बात को ध्यान रखें, जे वाले स्टूडेंट पेंडुलम वाली कंडीशन को ध्यान रखें, उनके लिए पेंडुलम वाली कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। ओके सो आप लोग इसे अच्छे तरीके से नोट करेंगे, देन हम आगे बात करते हैं। तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे टेम्परेचर की, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है थर्मल एक्सपेंशन के बाद वो आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर बेसिकली है क्या, टेम्परेचर किसी भी बॉडी की कोल्डनेस और हॉटनेस को मेजरमेंट करने का एक तरीका है, यानी डिग्री मेजरमेंट है, यानी कौन सी बॉडी कितनी ठंडी है कितनी गर्म है, इस बात का पता हम टेम्परेचर से लगाने वाले हैं। अब बेसिकली हमें टेम्परेचर के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए आप ये देखिए, ठीक है। हमने आपको बता दिया कि टेम्परेचर ठंडा या गर्म पता लगाने का एक तरीका है। सबसे पहले हम जानते हैं कि टेम्परेचर की यूनिट्स क्या क्या है, ये जरूरी है हमारे लिए बच्चों। टेम्परेचर की जो SI यूनिट है बच्चों वो है केल्विन, जिसे हम K से रिप्रेजेंट करेंगे। अनदर यूनिट्स, थोड़ा ध्यान से, अनदर यूनिट्स, ठीक है। टेम्परेचर की अगली यूनिट है डिग्री सेल्सियस, उसके बाद डिग्री फारेनहाइट, डिग्री रिमर, डिग्री रेंकाइन, ठीक है। कुल मिलाकर टेम्परेचर की हमारे पास में 5 यूनिट है स्टूडेंट। पहली है केल्विन, दूसरी है डिग्री सेल्सियस। सिर्फ केल्विन में डिग्री नहीं लगता है, बाकी सब के अंदर डिग्री लगता है, आप ध्यान रखेंगे, डिग्री फारेनहाइट, डिग्री रिमर और डिग्री रेंकाइन। एक छोटा सा नोट पॉइंट आपको बता देते हैं, जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है बच्चों, जो हमारे पास में सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है वो है 0 केल्विन, ठीक है। थ्योरेटिकली जो सबसे छोटा टेम्परेचर है हमारे पास में वो 0 केल्विन है। दिस इज द स्मॉलेस्ट टेम्परेचर। ओके नहीं है भैया, कभी ओके समझ लें आप, ठीक है। स्मॉलेस्ट टेम्परेचर, ये सबसे छोटा टेम्परेचर है। अच्छा अभी बड़े टेम्परेचर के बारे में यार हम कुछ नहीं बता सकते हैं ऐसे, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ इनफाइनाइट। बड़े टेम्परेचर की कोई रेंज नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम इस स्पेस में अलग अलग स्टार्स को खोजते जा रहे हैं, हर स्टार पर टेम्परेचर की जो रेंज है वो जितना बड़ा होता है उतनी बढ़ जाती है। तो हम हाईएस्ट टेम्परेचर के बारे में अभी कुछ नहीं बता सकते हैं, लोएस्ट टेम्परेचर 0 केल्विन है थ्योरेटिकली, ठीक है। ये हमारे पास में टेम्परेचर की यूनिट है। अब इनके ऊपर दो क्वेश्चन ना बच्चों बड़े इंपॉर्टेंट है, वो क्या है ये हमें समझना है। दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है इनके ऊपर, वो हमें क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझने हैं। वो कौन से क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है एक दूसरे के अंदर कन्वर्जन करने का, कैसे हम एक टेम्परेचर को दूसरे में चेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक छोटी सी टेबल याद रखनी है, C/100, K-273/100, F-32/180, R/80, RA-460/200। बच्चों ये कुल मिलाकर हमारे पास में पूरी एक टेबल है जिसे आपको याद करना है, अगर आपको सभी टेम्परेचर्स को एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट करना है तो। और मुझे लगता नहीं कि मुश्किल काम होना चाहिए, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा और उम्मीद है कि उसके बाद में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये सेल्सियस में है, ये केल्विन में है, ये फारेनहाइट में है, ये रिमर में है और वो रेंकाइन में है, और ये सब आपस में बराबर है, ठीक है। हम इस फॉर्मूले का यूज करके किसी भी टेम्परेचर को किसी में भी बदल सकते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देखिए, हमसे पूछा गया कि हमारे पास में 0 डिग्री सेल्सियस है, इस 0 डिग्री सेल्सियस को हमें रेकाइन में बदलना है बच्चों, ठीक है? सुन रहे हैं आप सभी लोग? ओके, बहुत अच्छी बात है, आप देखिए ध्यान से, हमें 0 डिग्री सेल्सियस को रेकाइन में बदलना है। तो बड़ा इजी है, आप कैसे करेंगे? फर्स्ट वाला पोर्शन आपका सेल्सियस का है, लास्ट वाला आपका रेकाइन का है, दोनों बराबर है, दोनों को बराबर रखिए। सेल्सियस अपॉन 100 आर ए माइनस के 460 अपॉन 200, वेल ठीक है, हमें सेल्सियस को रेंगाई में बदलना है, तो आप देखिए कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है, ओके? तो हम सेल्सियस की जगह 0 पुट करेंगे, 0 अपॉन 100 इज इक्वल टू आर ए माइनस के 460 अपॉन 200 पर डिवाइड करके आंसर आ जाएगा 0, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये भी 0 बन जाएगा और आर ए की वैल्यू जो हमारे पास बन जाएगी 460 डिग्री रहेगा, यानी जो हमारे पास में 0 डिग्री सेल्सियस था वो रेकाइन में पहुंचकर बन गया है 460 डिग्री रेकाइन, 0 डिग्री सेल्सियस 460 डिग्री रेकाइन के बराबर है। तो कोई भी टेम्परेचर अगर हमें चेंज करना है तो उन्हीं दोनों को हमें बराबर रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए, जैसे कि हमारे पास में एग्जाम्पल बना स्टूडेंट, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट इसे हमें कन्वर्ट करना है रेकाइन में, ठीक है? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट को हमें रेकाइन में कन्वर्ट करना है, बड़ा इजी है, कैसे करेंगे आप? फ़ारेनहाइट को रेंगाइन को आपस में बराबर रख लीजिए, फ़ारेनहाइट कितना है आपके पास में, एफ माइनस के 32 अपॉन 180 इज इक्वल टू रेंगाइन माइनस के 460 अपॉन 212। मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि कैसे आपको चलना है, प्रोसीड कैसे करना है, कैलकुलेशन बड़ा इजी है, आप लोग अपने आप कर सकते हैं, ठीक है? 40 डिग्री फ़ारेनहाइट स्टूडेंट हमारे पास में, तो हम एक काम करते हैं, एफ की जगह 40 पुट करते हैं, 40 माइनस के 32 अपॉन 180 इज इक्वल टू आर ए माइनस के 460 अपॉन 212। समझदार बच्चे हैं आप सभी लोग, कैलकुलेशन बड़े आराम से कर सकते हैं, 40 में से 32 माइनस करेंगे 8 अपॉन 180 आर ए माइनस के 460 अपॉन 212, ठीक है? सो 8 इनटू 212 अपॉन 180 इज इक्वल टू आर ए माइनस के 460, इसे सॉल्व कर लीजिएगा, 460 को इधर ले जाइएगा, आर ए निकल जाएगा कि रेंगाइन की वैल्यू 40 डिग्री रेंगाइन में कन्वर्ट करने के बाद में इतना होगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास में टेम्परेचर को मापने की 5 यूनिट है, 0 केल्विन स्मॉलेस्ट टेम्परेचर थियोरेटिकली, ये हमारा स्मॉलेस्ट टेम्परेचर है थियोरेटिकली, इनफाइनाइट क्योंकि बड़ा हमें लार्जेस्ट वैल्यू के बारे में कुछ नहीं पता, अलग अलग स्टार्स के ऊपर अलग अलग टेम्परेचर है, ठीक है? ओके, ये हमारे पास में एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर में बदलने का एक तरीका है, पूरी एक टेबल है जिसका हम यूज कर सकते हैं और मैंने आपको इसके ऊपर 2 एग्जांपल बताए हैं बच्चों, ठीक है? आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। देखो अगर मैं इसकी आगे बात करूं स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी आगे बात करें तो क्या रिजल्ट हमारे पास में बनने वाला है, देखिए क्या रिजल्ट हमारे पास में बनने वाला है ये हम लोग देख लेते हैं, क्या रिजल्ट हमारे पास में बनेगा। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि 5 यूनिट है हमारे पास में, कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे आप गौर करिएगा जरा, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बना बच्चों हमारे पास में, एट वॉट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल आर इक्वल, वो कौन सा टेम्परेचर है जब ये दोनों आपस में इक्वल होने वाले हैं स्टूडेंट, जब ये दोनों आपस में बराबर होने वाले हैं, ठीक है? देखो प्रॉब्लम इजी है, कैसे हम बनाएंगे पहले आप ये देखिए, पहले तो आपको टेबल को अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा, C अपॉन 100 F माइनस के 32 अपॉन 180 इज इक्वल टू K माइनस के 273 अपॉन 100 R upon AD is equal to RA minus के 460 upon 212। आप 2-3 बार इसे लिखकर देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी ये टेबल, और याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन आया, आपको ये बताना है कि वो कौन सा टेम्परेचर है जहां पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों आपस में बराबर है, यानी ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये वाला इस वाले के इक्वल है, तो मैंने ये माना लेट डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट
बोथ आर इक्वल टू एक्स, क्योंकि दोनों इक्वल है यार, क्वेश्चन के अंदर कहा गया है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपस में इक्वल है, तो मैंने इन दोनों को आपस में बराबर रख दिया, बच्चों डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट के मैंने इक्वल रख दिया। अब जैसे ही मैं इन दोनों को इक्वल रखूंगा तो क्या रिजल्ट मिलेगा, जैसे ही मैं इन दोनों को इक्वल रखूंगा तो यहां भी आ जाएगा x अपॉन 100, यहां भी आएगा x माइनस के 32 अपॉन 180। ओके बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट, ये 9 एंड दिस इज 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9x इज इक्वल टू 5x माइनस, देखो यहां हमारे पास में क्या बचने वाला है बच्चों, ये हमारे पास में बचने वाला है 160, ये 4x इज इक्वल टू माइनस के 160, सो x इज इक्वल टू माइनस के 40 डिग्री सेल्सियस या माइनस के 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये जो x हमारा रहने वाला है ये माइनस के 40 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, माइनस के 40 डिग्री फ़ारेनहाइट रहने वाला है, इतने टेम्परेचर पर सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल आपस में बराबर हो जाएंगे। स्टूडेंट ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है, बोला नहीं आप लोगों को, ओके। तो ये बात हो गई बच्चों हमारी किसी भी थर्मोमेट्रिक कॉन्सेप्ट को लेकर, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर की यूनिट्स क्या क्या है, स्मॉलेस्ट टेम्परेचर क्या है, हाईएस्ट टेम्परेचर क्या है, उसके बाद मैंने आपको कन्वर्जन करना सिखाया है इसके अंदर, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अभी हम लोग अगर इसके अंदर बढ़े स्टूडेंट, अगर हम आगे बात करें, देखिए आगे हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है, आप देखिए आगे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, क्वेश्चन हमारे पास में कैसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है बच्चों, किसी भी थर्मोमीटर को लेकर हमारे पास में एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताता हूं फॉर्मूला क्या है, x जो टेम्परेचर हम मेजर कर रहे हैं, जो मापना चाहते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं, माइनस LFT लोअर फिक्स पॉइंट, देखो आप समझो लोअर फिक्स पॉइंट क्या है, कोई भी थर्मोमीटर जो सबसे छोटा टेम्परेचर मापता है वो लोअर फिक्स पॉइंट है, जैसे हम अगर डिग्री सेल्सियस वाले थर्मोमीटर की बात करें तो उसका लोएस्ट पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो LFP 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी आप ये समझ लीजिए कि किसी भी थर्मोमीटर के लिए LFP और UFP बिल्कुल फिक्स होता है, जो कभी नहीं बदलता है, ठीक है, फॉल्टी थर्मोमीटर में बदल सकता है, जो थर्मोमीटर खराब होता है वो बदल सकता है, x माइनस के LFP अपॉन UFP माइनस के LFP इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बच्चों आप ये समझिए कि बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, एडवांस के अंदर भी कई प्रॉब्लम इसके अंदर से पूछी गई है, हमें याद रखनी है। ये जो फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा है ये हर थर्मोमीटर के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो किसी भी स्केल के ऊपर क्यों ना काम कर रहा हो, हर थर्मोमीटर के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो सही थर्मोमीटर हो या खराब थर्मोमीटर हो, हर थर्मोमीटर के लिए एप्लीकेबल है। मैं आपको कुछ डेटा देता हूं, देखिए डेटा क्या है मेरे पास में, डेटा यह है कि मैंने दो कंडीशंस बना दी, ठीक है, मैंने एक कंडीशन बना दी है जो राइट थर्मोमीटर है, सही वाला जो थर्मोमीटर है उसके लिए, जो एक्यूरेट थर्मोमीटर है, राइट का है और एक्यूरेट का है, ठीक है, ओके। दूसरी कंडीशन मैंने बना दी है फॉल्टी थर्मोमीटर के लिए, जो खराब वाला थर्मोमीटर है उसके लिए, क्या कंडीशन है आप देखिए जरा, भाई राइट वाला थर्मोमीटर है यार पक्का LFP 0 डिग्री सेल्सियस होगा, लोअर पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस फिक्स होता है, जो सही थर्मोमीटर होता है उसके लिए लोअर पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, आप जानते हैं बहुत बेसिक सी बात है, सबसे कम टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस मापा जाता है, जो अपर पॉइंट होता है सही वाले थर्मोमीटर के लिए वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लोअर पॉइंट फिक्स 0 डिग्री सेल्सियस, अपर पॉइंट फिक्स 100 डिग्री, लोअर पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, अपर पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, याद रखना है, ठीक है। अब ये कहा गया, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से ऑब्जर्व करके सुनना है आप लोगों को कि क्या आप लोगों से पूछा जा रहा है। अब ये कहा गया, अगर एक्यूरेट थर्मोमीटर से हम एक टेम्परेचर मापते हैं 50 डिग्री सेल्सियस, यानी जिसका लोअर पॉइंट 0 है सही बिल्कुल, जिसका अपर पॉइंट 100 है बिल्कुल सही, यानी ये एक सही थर्मोमीटर है, इससे हम बिल्कुल सही रीडिंग दे रहे हैं हमें, अगर मैं इससे किसी बॉडी का टेम्परेचर मापता हूं तो वो 50 डिग्री सेल्सियस निकल कर आता है, यानी ये जो 50 निकल कर आया है ना ये रीडिंग बिल्कुल सही है। अब क्या है, अब आते हैं फॉल्टी थर्मोमीटर, ये खराब थर्मोमीटर है, और खराब इस हद तक है कि अगर मैं इसे
फ्रीजिंग पॉइंट को मेजर करता हूं, फ्रीजिंग पॉइंट यानी एलएफपी, याद रखिएगा फ्रीजिंग पॉइंट यानी एलएफपी। अगर मैं इसे फ्रीजिंग पॉइंट को मेजर करता हूं तो माइनस के 5 डिग्री सेल्सियस निकल कर आता है, और मैं इसे अगर बॉइलिंग पॉइंट मेजर करता हूं यानी यूएफपी, वो 110 डिग्री सेल्सियस यानी 110 डिग्री सेल्सियस निकल कर आता है। अरे भैया एक्चुअल में फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? जीरो, और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100। लेकिन ये चूंकि खराब थर्मोमीटर है तो ये फ्रीजिंग पॉइंट को कितना मापता है? -5, और बॉइलिंग पॉइंट को कितना मापता है? 110, यानी यूएफपी अपर पॉइंट 110, लोअर पॉइंट -5। तो आपको ये बताना है कि अगर इससे इस बॉडी का टेम्परेचर मापा जाए, किस बॉडी का? जिस बॉडी का टेम्परेचर सही वाले थर्मोमीटर से 50 डिग्री सेल्सियस आया था, खराब वाले थर्मोमीटर से अगर मैं उसी बॉडी का टेम्परेचर मापूं तो कितना आएगा, आपको ये बताना है। वेरी नाइस प्रॉब्लम स्टूडेंट, आपको ध्यान देना। अगर मैं खराब वाले थर्मोमीटर से उसी बॉडी का टेम्परेचर मापता हूं तो कितना आएगा, आपको ये बताना है। बड़ा आसान है, ये फॉर्मूला है हमारे पास में, चाहे खराब के लिए लगाओ चाहे सही के लिए लगाओ, हमेशा कांस्टेंट के बराबर रहेगा। चलिए पहले इस फॉर्मूले को एक्यूरेट थर्मोमीटर के लिए लगा देते हैं, एक्यूरेट वाले के लिए। देखो x की वैल्यू क्या है? 50, माइनस एलएफपी कितना है? 0, यूएफपी कितना है? 100, एलएफपी कितना है? 0 इज इक्वल। अब चूंकि ये तो कांस्टेंट के बराबर आना है, अगर इसी फॉर्मूले को मैं फॉल्टी यानी खराब थर्मोमीटर के लिए लगाऊं तो वो भी कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट कांस्टेंट बराबर। यानी यही फॉर्मूला एक बार एक्यूरेट के लिए और यही फॉर्मूला एक बार फॉल्टी के लिए, और आपस में बराबर रख देना। यही फॉर्मूला एक बार एक्यूरेट थर्मोमीटर के लिए, यही फॉर्मूला एक बार फॉल्टी थर्मोमीटर के लिए, और दोनों को आपस में इक्वल रख देना है। जब यही फॉर्मूला हम फॉल्टी के लिए लगाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा बच्चों? फॉल्टी के लिए हमने टेम्परेचर मापा, इतना आया निकल कर एक्स डैश, माइनस एलएफपी कितना है? -5, यूएफपी कितना है? 110, माइनस एलएफपी कितना है? -5। याद रखनी है बात, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों, ये सही वाले थर्मोमीटर के लिए, वो फॉल्टी वाले के लिए। पहले माइनस कर लेते हैं फिर डिवाइड करेंगे, ऐसे मत करना गलत हो जाएगा, ठीक है? मैंने कट कर दिया है तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल एक्स डैश प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 115। ओके स्टूडेंट, इसे इधर ले जाते हैं, सो 115 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस 5। 115 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 57.5 इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस 5, सो एक्स डैश इज इक्वल टू 52.5 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर इस थर्मोमीटर से यानी एक्यूरेट थर्मोमीटर से उसका टेम्परेचर 50 आ रहा था तो फॉल्टी थर्मोमीटर से उसका टेम्परेचर 52.5 आएगा, यानी टेम्परेचर के अंदर जो एरर आएगी वो 2.5 डिग्री सेल्सियस की आएगी। खराब वाला थर्मोमीटर इतना टेम्परेचर ज्यादा दिखाएगा, इतना टेम्परेचर ज्यादा शो करेगा स्टूडेंट, आप याद रख सकते हैं अच्छे तरीके से। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्रैश कोर्स लेक्चर नंबर 3 में बेसिकली बात की है थर्मल एक्सपेंशन की। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने से लंबाई में, एरिया में, वॉल्यूम में कितना चेंज आने वाला है, डेंसिटी में कितना चेंज आने वाला है, कुछ एप्लीकेशंस मैंने आपको उसके बताए। दूसरी हमने बात की है कन्वर्स करने की, यानी टेम्परेचर क्या है, उसकी यूनिट्स क्या क्या होती है, और कैसे हम एक को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये हमने बात की है थर्मोमीटर की, ठीक है? तो जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उसके अंदर कैलोरीमेट्री, एक्सपेंशन और थर्मोमीटर, ये तीनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो मैंने बताया है ये आपको समझ में भी आ गया होगा। आप वीडियोस को रिवाइंड करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स को क्लियर कर सकते हैं, और बहुत ही जल्द हम आप लोगों के लिए लाइव डाउट सेशन क्लास ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। अगली वीडियो में यानी कल की वीडियो में मैं आपको उसकी टाइमिंग्स वगैरह बताऊंगा कि क्या टाइमिंग्स रहने वाली है, जिसके दौरान आप लाइव आकर मुझसे सीधा अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं। लॉकडाउन होने की वजह से 1 या 2 दिन की देरी हो सकती है आप लोगों को नए प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट करने में, तो तभी तब तक आप लोग अपने जितने भी आपके लेक्चर्स हैं उन्हें आप यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं, और उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को इससे फायदा हो रहा होगा। अगर आप लोगों को कोई सजेशन है तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।